हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में और उनके फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट जो हैं सभी जीवों में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाले कार्बनिक कंपाउंड होते हैं। अब कार्बोहाइड्रेट जो बने होते हैं वो किसके बने होते हैं? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के, और ये मुख्य ऊर्जा के स्रोत होते हैं और भोजन के कंपोनेंट होते हैं। यानी भोजन में हमें जो कार्बोहाइड्रेट मिलती है वो क्या, उसमें क्या होता है, उनसे एनर्जी मिलती है। तो इनमें जो कार्बन हाइड्रोजन के जो बॉन्ड होते हैं और जो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड पाया जाता है, यानी एक जो कार्बोहाइड्रेट की जो मॉलिक्यूल है, सबसे छोटा मॉलिक्यूल ग्लूकोज जैसे है, फ्रक्टोज है, गैलेक्टोज है, इन्हीं के ये क्या है, बहुलक है या कम जो पॉलीमर है। तो कार्बोहाइड्रेट देखते हैं और इनके फंक्शन देखते हैं। कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं वो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के यौगिक हैं और सबसे ज्यादा मात्रा में पाए जाने वाले जो कंपाउंड है या यौगिक है। इन्हें कार्बन के हाइड्रेट्स भी कहते हैं। अब कार्बन के हाइड्रेट्स क्यों कहते हैं? क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स ये कार्बन और वाटर से बना हुआ है। कार्बोहाइड्रेट मीन्स कार्बो मीन्स कार्बन और हाइड्रेट मीन्स वाटर। तो कार्बोहाइड्रेट में जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जिस रेशियो में होता है उसी रेशियो में वाटर में भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है। यानी कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं CH2O और वाटर में क्या होता है, वाटर में भी H2O। यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो होता है वही रेशियो किस में होता है, वाटर में होता है। इसलिए इसे क्या बोलते हैं, कार्बन के हाइड्रेट्स बोलते हैं। अब इनका जो संरचना सूत्र, इसे हम कैसे प्रदर्शित करेंगे, यानी किस रेशियो में कार्बन होता है? तो कार्बन जो है वो 1:1 में होता है और हाइड्रोजन जो है वो 2:2 में होता है, यानी 1:2। ऑक्सीजन जो होता है ये 1 होता है। यानी इनका जो सूत्र है, किस फार्मूले से हम कार्बोहाइड्रेट को व्यक्त कर सकते हैं, CnH2NON। ठीक, N क्या है, नंबर बता रहे हैं, यानी किस किस कार्बन कितना है, हाइड्रोजन कितना है और ऑक्सीजन कितना है। तो इसका जो सूत्र हो गया, यानी फॉर्मूला हो गया, इसे किस सूत्र से प्रदर्शित करते हैं, CnH2NON। ठीक, तो कार्बोहाइड्रेट क्या हो गए, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के यौगिक हो गए। अब इनको जो है शर्करा के यौगिक भी कहते हैं, यानी इन्हें क्या कहते हैं, सैकराइड भी कहते हैं। अब सैकराइड क्यों कहते हैं, सैकराइड माने क्या होता है, शर्करा, और शर्करा मीन्स क्या होता है, मीठा। यानी इसमें जो है इनका टेस्ट जो होता है वो कैसा होता है, मीठा होता है, इस वजह से इसे सैकराइड भी कहते हैं। अब ये मोनोसैकराइड की क्या है, पॉलीमर होते हैं या बहुलक होते हैं। अब ये जो सैकराइड है ये इसकी लंबी चैन से मिलके बने होते हैं, या एक या दो सैकराइड के मिलके बने होते हैं, या तीन चार सैकराइड के मिलके बने होते हैं। यानी इनकी जो सबसे छोटी यूनिट है, कार्बोहाइड्रेट की जो सबसे छोटी यूनिट है वो क्या हो गई, मोनोसैकराइड हो गई, यानी शर्करा हो गई। और ये शर्करा जो होती है वो टेस्ट में कैसे होती है, मीठी होती है और पानी में घुलनशील होती है। यानी इनकी जो प्रॉपर्टी हो गई, वो क्या हो गई, ये टेस्ट में मीठी हो गए और पानी में घुलनशील हो गए। अब इन्हें किस सूत्र से प्रदर्शित करते हैं, CnH2NON सूत्र से प्रदर्शित किया जा सकता है। अब रासायनिक रूप से अगर हम देखें, यानी इनमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप होता है कार्बोहाइड्रेट में, तो कार्बोहाइड्रेट में जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो क्या होता है, या तो एल्डिहाइड के बने होंगे या कीटोन के होंगे, यानी दो उनमें फंक्शनल ग्रुप होता है। तो कार्बोहाइड्रेट जो है वो क्या होते हैं, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड होंगे या कीटोन होंगे। ठीक है, अब पॉलीहाइड्रोक्सी क्यों बोला गया,
पॉली हाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सी ग्रुप आप जानते हैं ओएच ग्रुप होता है, एल्कोहल ग्रुप होता है, यानी इसमें ढेर सारे एल्कोहल ग्रुप लगे रहते हैं, कई एल्कोहल ग्रुप लगे होते हैं, इसलिए इसे क्या बोले, पॉली हाइड्रोक्सी। पॉली हाइड्रोक्सी और वो क्या होंगे, एल्डिहाइड होंगे, या इसमें क्या होगा, एल्डिहाइड, एक एल्डिहाइड ग्रुप होगा या एक कीटोन ग्रुप होगा। तो ये क्या हो गए, पॉली हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन होते हैं, या इनके पॉलीमर या बहुलक होते हैं। अब ये कार्बोनिल ग्रुप, इनमें जो एल्डिहाइड में आपने देखा है कि एक कार्बोनिल ग्रुप होता है या कीटोन में एक कार्बोनिल ग्रुप होता है, तो वो कार्बोनिल ग्रुप जो है अगर समूह के जो चैन है कार्बोहाइड्रेट की उनके अगर सिरे पे लगे होंगे तो वो क्या कहलाएंगे, एल्डिहाइड कहलाएंगे। और अगर ये कार्बोनिल जो कार्बोनिल ग्रुप है वो कहाँ लगे होंगे, कार्बन चैन के मध्य में लगे होंगे तो वो क्या कहलाएंगे, कीटोन ग्रुप कहलाएंगे। तो इनमें क्या हो गया, ये पॉलीहाइड्रोक्सी होंगे, यानी इनमें एल्कोहल ग्रुप होगा और क्या होगा, एल्डिहाइड ग्रुप होगा या कीटोन ग्रुप होगा, इनके ये बहुलक होंगे। अब इनमें कार्बोनिल समूह, ये क्या है, सी डबल बॉन्ड हो, ये होता है कार्बोनिल समूह के अतिरिक्त अनेक हाइड्रोक्सिल समूह होते हैं। अब कार्बन चैन के सिरे पे उपस्थित, यानी जो कार्बन चैन है उनके सिरे पे उपस्थित कार्बोनिल समूह के होने पर इसे, अगर वो सिरे पे कार्बोनिल समूह होगा, यानी ये सी डबल बॉन्ड ओ जो है कहाँ पे होगा, सिरे यानी फर्स्ट कार्बन पे होगा, तो क्या होंगे वो, एल्डिहाइड होंगे। या जो बीच में होगा, यानी सी डबल बॉन्ड ओ कहाँ होगा, चैन के बीच में होगा, तो क्या होंगे वो, कीटोन ग्रुप कहलाएंगे। अब जीवों में कार्बोहाइड्रेट जो है वो तीन रूपों में मिलते हैं, यानी कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन करेंगे तो वो थ्री टाइप्स के होते हैं। तो सबसे पहले और फंक्शनल ग्रुप को आप इससे देख लीजिए, स्ट्रक्चर फार्मूला मैंने बनाया है यहाँ पे, तो आपको और क्लियर हो जाएगा। तो कार्बोनिल जो ग्रुप है उनकी अगर एक तरफ हाइड्रोजन लगा हो और दूसरे तरफ कार्बन लगा हो तो वो क्या होगा, एल्डिहाइड होगा। अगर कार्बोनिल ग्रुप के दोनों साइड कार्बन लगे होंगे तो वो कौन सा ग्रुप होगा, वो कीटोन होगा। तो यहाँ पे देखिए आपको और क्लियर हो जाएगा, ये कार्बोनिल ग्रुप है, ठीक है, इसके एक साइड हाइड्रोजन लगा है, एक साइड क्या लगा है, कार्बन लगा हुआ है, तो ये क्या हो गए, एल्डिहाइड हो गए। अब ये कार्बोनिल सी डबल बॉन्ड ओ क्या है, कार्बोनिल ग्रुप हो गया, इनके एक साइड कार्बन लगा हुआ है और एक साइड इधर भी कार्बन, यानी दोनों साइड कार्बन लगे होंगे तो वो क्या होंगे, कीटोन ग्रुप हो जाएगा। अब यहाँ पे देख लीजिए, दो मैंने स्ट्रक्चर फार्मूला बनाया है, एक ग्लूकोज का बनाया है, एक फ्रक्टोज का बनाया है। तो ग्लूकोज जो है वो क्या होती है, सिक्स कार्बन परमाणु वाली चैन होती है, और फ्रक्टोज भी सिक्स कार्बन परमाणु वाली चैन होती है, तो इन्हें क्या बोलते हैं, हेक्सोज बोलते हैं, यानी ये छह कार्बन परमाणु वाली चैन है। अब हम बात कर रहे थे फंक्शनल ग्रुप की, तो फंक्शनल ग्रुप जब सिरे पे लगा हो, यानी कार्बोनिल ग्रुप बताया मैंने कि कहाँ लगा हो, सिरे पे लगा हो, तो वो क्या होंगे, एल्डिहाइड होंगे। या कार्बोनिल ग्रुप के एक साइड हाइड्रोजन और दूसरे साइड क्या लगा हो, कार्बन लगा हो, तो वो क्या होंगे, एल्डिहाइड होंगे। तो यहाँ पे देखिए, ये फर्स्ट, ठीक है, सिरे पे लगा, यानी फर्स्ट कार्बन पे ये कार्बोनिल ग्रुप जुड़ा हुआ है, सी डबल बॉन्ड ओ आप ये देख रहे हैं, ठीक। तो ये सिरे पे है और इसके एक साइड क्या है, हाइड्रोजन है, दूसरे साइड क्या है, कार्बन है, तो ये कैसे हो गए, एल्डिहाइड हो गए, यानी ग्लूकोज क्या है, एल्डिहाइड होता है, यानी ग्लूकोज में कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, एल्डिहाइड है, तो ग्लूकोज क्या हो गया, एल्डिहाइड हो गया। अब फ्रक्टोज में देख लेते हैं, मैंने बताया जब कार्बोनिल ग्रुप तो बीच में हो चैन के, तो ये देखिए कहाँ पे है, सेकेंड कार्बन पे है, सी डबल बॉन्ड वो, यानी कार्बोनिल ग्रुप ये जो है वो कहाँ पे है, सेकेंड ये कार्बोनिल ग्रुप हो गया, कहाँ पे, सेकेंड कार्बन पे है। अब मैंने बताया था कि अगर कार्बन के दोनों साइड जो कार्बोनिल ग्रुप है, कार्बोनिल ग्रुप के दोनों साइड कार्बन लगे होंगे तो वो क्या होगा, कीटोन ग्रुप होगा। तो इसके इधर भी देखिए ये कार्बन लगा हुआ है, इसके इधर भी कार्बन लगा हुआ है, तो ये क्या हो गया, कीटोन हो गया। तो फ्रक्टोज क्या है, वो कीटोन हो गया। तो ये तो फंक्शनल ग्रुप आपको क्लियर हो गया। अब कार्बोहाइड्रेट का जो क्लासिफिकेशन किया गया है, वो कार्बोहाइड्रेट को तीन भागों में बांटा गया है, एक हो गया मोनोसेक्राइड,
दूसरा हो गया ओलिगोसैकेराइड और तीसरा हो गया पॉलीसैकेराइड। तो देखते हैं एक एक करके देख लेते हैं। तो मोनोसैकेराइड, मोनो मीन्स क्या होता है, मोनो मीन्स एक, ठीक है, सैकेराइड मीन्स शुगर। तो ये मोनोसैकेराइड कैसे होंगे, ये इसमें एक शुगर यानी एक शुगर का मॉलिक्यूल प्रेजेंट होगा, यानी सबसे छोटी जो अणु है वो शुगर, सबसे छोटा जो मॉलिक्यूल्स होते हैं कार्बोहाइड्रेट का मोनोमर्स है वो क्या है, शुगर है या सरकरा है। तो इनमें क्या होगा, एक शुगर के मॉलिक्यूल्स होंगे। और ये कैसे होंगे, सिंपल सरकराएं हैं, यानी बहुत सिंपल जो सैकेराइड है, इनमें केवल एक एल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। इनमें क्या होगा, सिर्फ एक एल्डिहाइड होगा या एक कीटोन ग्रुप होगा। इन्हें लघु अणु यानी मोनोमर्स कहते हैं। अब यही मोनोमर्स मिलके ओलिगो या पॉलीसैकेराइड बनाते हैं। तो ये क्या है, सिंपल है, यानी एक, सिर्फ एक शर्करा के बने होते हैं। अब जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ग्लैक्टोज, ये सब क्या है, मोनोसैकेराइड है। अब ग्लूकोज, फ्रक्टोज और ग्लैक्टोज, ये क्या, इसे हम क्या बोलते हैं, हेक्सोज, यानी 6 कार्बन परमाणु वाली ये चैन होती है। अब मोनोसैकेराइड में जो कार्बन लगे होते हैं इनकी संख्या के आधार पे ये कई तरह के होते हैं मोनोसैकेराइड। जैसे अगर 2 मोनोसैकेराइड हैं तो डायोस, ठीक है, 2 कार्बन, ठीक है, 2 कार्बन, यानी ये 2 कार्बन अगर हैं, 2 कार्बन के वो बने हुए हैं तो क्या होंगे, वो डाइओस। और अगर 3 कार्बन के हैं तो ट्राइओस बनेंगे, और अगर 4 कार्बन के हैं तो टेट्रोस बनेंगे, ये 5 कार्बन के हैं तो पेंटोस बनेंगे, और ये 6 कार्बन के हैं तो हेक्सोस बनेंगे, और जब ये 7 कार्बन हो जाएंगे तो हेप्टोस बनेंगे। तो ये कार्बन के नंबर के आधार पे ये कितने टाइप्स के हो गए, डायोस, ट्राइओस, पेंटोस, हेक्सोस, ये यानी हेप्टोस, यानी 7, इनमें 2 से लेके 7 कार्बन तक ये चैन होती है। अब जैसे राइबोस में आपने देखा है, न्यूक्लिक एसिड में राइबोस पेंटोस शुगर होती है, तो वो क्या है, पेंटोस शुगर होती है, यानी उनमें कार्बन चैन कितनी है, 5 होती है। अब इसी तरह ग्लाइसिन है, तो उसमें ग्लाइसिन में कितने होते हैं, 3 कार्बन होते हैं, यानी वो ट्राइओस है। तो इस तरह कार्बन के आधार पे, कार्बन की संख्या के आधार पे ये डिफरेंट टाइप्स के हो गए, ट्राइओस, टेट्रोस, पेंटोस, हेक्सोस और हेप्टोन, यानी इनमें कार्बन जो है वो कितना होता है, 2 से लेके 7 तक कार्बन जो है एलिमेंट्स होते हैं। अब इनकी प्रॉपर्टी अगर हम देख लें तो ये गुण इनके क्या होंगे, ये मीठे होंगे, स्वाद में कैसे होंगे, मीठे होंगे, पानी में घुलनशील होंगे। अब पानी में ये क्यों घुलनशील होंगे, क्योंकि इसमें क्या लगा हुआ है, ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा हुआ है। हाइड्रोक्सिल ग्रुप जब लगा होता है तो वो क्या करता है, पोलर हो जाता है, पोलर बना लेता है। वो पोलर जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो पानी में कैसे होंगे, घुलनशील होंगे। तो ये कैसे हो गए, पोलर हो गए, इसलिए पानी में घुलनशील हो गए। इस ये भी पानी, फ्रक्टोज भी पानी में घुलनशील हो गया, क्योंकि इसमें भी क्या है, ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा हुआ है, तो ये भी पोलर हो गए, यानी मोनोसैकेराइड जो है वो क्या हो गए, पोलर होते हैं और पानी में घुलनशील होते हैं और स्वाद में मीठे होते हैं। तो इम्पोर्टेंट, ये कुछ इम्पोर्टेंट मोनोसैकेराइड है, जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ग्लैक्टोज, राइबोस, ये सब इम्पोर्टेंट है। अब इन्हीं मोनोसैकेराइड से मिलकर क्या बनते हैं, ओलिगोसैकेराइड बनते हैं। तो हम देखते हैं ओलिगोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड, ओलिगो मीन्स होता है फ्यू, कुछ, ठीक है, ओलिगो सैकेराइड मीन्स शुगर। तो इनमें क्या है, कुछ शुगर मिलके ये एक चैन बनाते हैं। तो इनमें कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं शुगर के, 2 या 2 से अधिक, यानी कितने अधिक हो सकते हैं वो, 10 तक, ठीक है, 10 तक जो है वो मोनोसैकेराइड के अणु इसमें जुड़ के क्या बनाएंगे, वो एक पॉलीमर बना लेंगे, चैन बना लेंगे, और उसे क्या बोलेंगे, ओलिगोसैकेराइड बोलते हैं। अब ये जो मोनोसैकेराइड है वो किस बॉन्ड से जुड़े, मीन्स आपस में एक मोनोसैकेराइड दूसरे मोनोसैकेराइड के साथ कैसे जुड़ा होता है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड द्वारा जुड़ा होता है, यानी सभी
मोनोसेक्राइड जो है वो आपस में किससे जुड़े होते हैं, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। जैसे हमने आपको प्रोटीन में बताया था कि वो पेप्टाइड बॉन्ड द्वारा, एमिनो एसिड जुड़े होते हैं पेप्टाइड बॉन्ड द्वारा, इसी तरह इसमें जो है जो शुगर है या मोनोसेक्राइड है वो किससे जुड़े होते हैं, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड द्वारा जुड़े होते हैं। अब ऑलिगोसेक्राइड के एग्जाम्पल जैसे माल्टोज, लैक्टोज, सुक्रोज, ये सब क्या है, ऑलिगोसेक्राइड है। अब ऑलिगोसेक्राइड भी दो मॉलिक्यूल से मिलके बने, मतलब दो मोनोसेक्राइड से मिलके बना है या तीन मोनोसेक्राइड से मिलके बना है या चार मोनोसेक्राइड मिलके बना है, ये डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। जैसे अगर दो मोनोसेक्राइड से मिलके बनेगा तो क्या बोलेंगे उसे, डाइसेक्राइड। तीन से बनेगा तो क्या होगा, ट्राइसेक्राइड। और चार से बनेंगे तो टेट्रासेक्राइड, यानी चार मोनोसेक्राइड उसमें मॉलिक्यूल्स होंगे तो वो टेट्रासेक्राइड कहलाएंगे। तो यहाँ पे देख लीजिए कुछ ये डाइसेक्राइड है, यानी इसमें क्या है, दो मोनोसेक्राइड जुड़े हुए। ग्लूकोज क्या था, मोनोसेक्राइड है, और जो ग्लैक्टोज क्या है, मोनोसेक्राइड है, फ्रक्टोज क्या है, मोनोसेक्राइड है, ठीक है। तो यहाँ पे दो मोनोसेक्राइड मिलके जुड़े हैं तो ये क्या है, डाइसेक्राइड है। तो अब ग्लूकोज और ग्लूकोज जब जुड़ेगा तो क्या बनेगा, माल्टोज बनाएंगे और एक जो है वाटर मॉलिक्यूल्स निकलेगा, यानी वाटर का एक मॉलिक्यूल्स निकल जाएगा। ग्लूकोज और ग्लैक्टोज जब मिलेगा तो क्या बनेगा, फ्रक्टोज बनेगा और एक वाटर मॉलिक्यूल्स निकल जाएगा। ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिलेगा तो क्या बनेगा, सुक्रोज। इस तरह से माल्टोज, लैक्टोज और सुक्रोज ये बनते हैं, यानी ये क्या है, दोनों दो मोनोसेक्राइड यूनिट से मिलके बने हैं तो डाइसेक्राइड हो गए और एक वाटर मॉलिक्यूल्स निकल गया। अब यहाँ पे ये देख लीजिए, इससे आपको और क्लियर हो जाएगा, ये एक मोनोसेक्राइड है, ये दूसरा मोनोसेक्राइड है, ठीक है। तो मोनोसेक्राइड जो है वो आपस में जुड़ रहे हैं तो वाटर निकल रहा है, दो मोनोसेक्राइड यूनिट है जुड़ के एक वाटर निकल रहा है, और ये जब वाटर निकल रहा है तो ये इससे जुड़ जा रहा है, ठीक है। तो ये एक मोनोसेक्राइड है, ये दूसरा मोनोसेक्राइड है, ये आपस में ओ से जुड़ गया, और किस बॉन्ड से जुड़ गया, ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से जुड़ गया। ये किससे जुड़ा है, ये बॉन्ड क्या हो गया, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड हो गया, और इसे क्या बोलते हैं, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कहते हैं। यानी ग्लाइकोसिडिक जो बॉन्ड होता है वो क्या होता है, एक मोनोसेक्राइड को दूसरे मोनोसेक्राइड से जोड़ता है, और ये कैसा बॉन्ड होता है, कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं। अब एक मोनोसेक्राइड का जो एल्डिहाइड ग्रुप है या कीटोन ग्रुप है दूसरे मोनोसेक्राइड के हाइड्रोक्सिल ग्रुप से जुड़ता है, यानी एक मोनोसेक्राइड का जो एक कार्बन और दूसरे के मोनोसेक्राइड के चार कार्बन से वो जुड़ेगा। तो इसीलिए 1,4 इसे ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड भी कहते हैं, यानी यहाँ पे लिख लीजिए 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, ठीक, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड यहाँ पे कर लीजिए 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड भी बोला जाता है इसे, क्योंकि एक मोनोसेक्राइड का फर्स्ट कार्बन और दूसरे मोनोसेक्राइड के फोर्थ कार्बन जो है आपस में जुड़ते हैं, यानी एक मोनोसेक्राइड का OH ग्रुप दूसरे मोनोसेक्राइड के चाहे एल्डिहाइड ग्रुप या कीटोन ग्रुप आपस में जुड़ते हैं और ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बनाते हैं या ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बनाते हैं। अब इसमें मोनोसेक्राइड के नंबर के आधार पे ये जो हो गए वो क्या हो गए, डाइसेक्राइड, ट्राइसेक्राइड, टेट्रासेक्राइड, यानी मोनोसेक्राइड अगर दो होंगे तो डाइसेक्राइड, मोनोसेक्राइड अगर तीन होंगे तो ये ट्राइसेक्राइड, मोनोसेक्राइड की यूनिट अगर चार है तो वो टेट्रासेक्राइड होंगे। अब देखते हैं पॉलीसेक्राइड। पॉलीसेक्राइड जो है 10 से अधिक मोनोसेक्राइड जो है के अणु आपस में जुड़ेंगे तो क्या बनाए, 10 से अधिक, और इनकी संख्या और अधिक कितने हो सकते हैं, ये हजारों हो सकते हैं। तो 10 से अधिक जब मोनोसेक्राइड के अणु आपस में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से जुड़ते हैं
तो वो क्या बनाते हैं, पॉलीसेक्राइड बनाते हैं। पॉली पॉली मीन्स होता है बहुत, ठीक है। सेक्राइड मीन्स शुगर या शर्करा, यानी बहुत से शर्करा आपस में जुड़ती है तो वो क्या बना लेती है, पॉलीसेक्राइड बना। अब इनमें चूंकि 10 तक क्या थे, 10 तक जो है वो ऑलिगोसेक्राइड थे, तो 10 से ज्यादा होना चाहिए, मीन्स 10 से ज्यादा है और इनकी संख्या और भी ज्यादा में कितनी हो सकती है, हजारों हो सकती है, हजारों की संख्या में हो सकते हैं, तो ये क्या बना लेते हैं, पॉलीसेक्राइड बनाते हैं। अब जैसे एग्जाम्पल जो है वो क्या हो गया, स्टार्च हो गया, ग्लाइकोजन हो गया, इन्यूलिन हो गया। इन्यूलिन जो है प्लांट में पाया जाता है, जितने आपके कंपोजिटिव प्लांट होते हैं उनमें, कंपोजिटिव फैमिली के प्लांट में पाया जाता है। सेलुलोज हो गया, काइटिन हो गया, ये सब क्या है, पॉलीसेक्राइड है। अब पॉलीसेक्राइड को और भी क्या कहते हैं, ग्लाइकैन भी कहते हैं इसे, तो जो पॉलीसेक्राइड है उन्हें ग्लाइकैन भी बोलते हैं। तो ये क्या है, मोनोसेक्राइड के एक पॉलीपेप्टाइड पॉलीमर है, ठीक है, ये पॉलीमर बोलेंगे, पॉलीपेप्टाइड नहीं बोलेंगे, पॉलीमर बोलेंगे। तो पॉलीसेक्राइड क्या है, मोनोसेक्राइड के पॉलीमर होते हैं, बहुलक होते हैं मोनोसेक्राइड के। अब इनके ये आपको क्लियर हो गया होगा पॉलीसेक्राइड। अब इनके फंक्शन देख लें, कुछ कुछ जो कार्बोहाइड्रेट के फंक्शन है, जैसे सोर्स ऑफ एनर्जी, स्टोरेज मॉलिक्यूल्स, स्ट्रक्चर बिल्डिंग मटेरियल, या रोल ऑफ मेटाबॉलिज्म, या स्पेशल फंक्शंस कुछ होते हैं, तो एक एक करके हम लोग देखते हैं। सोर्स ऑफ एनर्जी, कार्बोहाइड्रेट जो है वो सबसे ज्यादा जो है वो सोर्स ऑफ एनर्जी, यानी हमसे इनसे हमें एनर्जी मिलती है। तो कार्बोहाइड्रेट जब हम फूड के कंपोनेंट भी होते हैं, जब हम कोई फूड खाते हैं तो उसमें कार्बोहाइड्रेट होता है, तो वो क्या होता है, जो ऑक्सीडेशन होता है उस समय वो ब्रेक डाउन होता है। तो रेस्पिरेशन के समय वो क्या होते हैं, ब्रेक डाउन होते हैं, और सेलुलर जो रेस्पिरेशन होता है उनमें ब्रेक डाउन, जब वो ब्रेक डाउन होंगे तो उनसे बॉन्ड उनके टूटेंगे, और जब बॉन्ड टूटेंगे तो बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी, तो वो एनर्जी हमें मिलती है, यानी ये कार्बोहाइड्रेट जो है वो एनर्जी के सोर्स होते हैं। स्टोरेज मॉलिक्यूल्स, कुछ स्टोरेज मॉलिक्यूल्स जो है जैसे स्टोर रहते हैं, जैसे स्टार्च है, ग्लाइकोजन है, तो स्टार्च जो है वो किसमें स्टोर होता है, प्लांट में रहता है, और प्लांट में कहाँ पे, प्लास्टिड में होता है। ग्लाइकोजन जो है वो किसमें स्टोर होता है, एनिमल में रहता है, यानी एनिमल के लीवर में या मसल सेल्स में स्टोर होता है। तो ये स्टोरेज जो मॉलिक्यूल्स हैं जैसे स्टार्च या ग्लाइकोजन, तो ये फिर टूटते हैं। तो जब ग्लाइकोजन है, चूंकि ग्लाइकोजन क्या है, पॉली पॉलीसेक्राइड है, तो जब ये टूटेगा तो डाई में टूटेगा, फिर मोनो में टूटेगा, तो इस तरह से वो पहले कई मॉलिक्यूल्स में टूटने के बाद जब फिर टूटेंगे तब क्या होंगे, एनर्जी रिलीज करेंगे। तो ये स्टोर रहते हैं, जब हमें जरूरत पड़ती है तब ये मॉलिक्यूल्स कई मॉलिक्यूल्स में टूटने के बाद हमें क्या देते हैं, एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। स्ट्रक्चर या बिल्डिंग मटेरियल, कुछ जो कार्बोहाइड्रेट है वो स्ट्रक्चर या बिल्डिंग मटेरियल है, जैसे सेल्यूलोज। सेल्यूलोज किस में पाया जाता है, प्लांट सेल वॉल जो होती है, प्लांट की सेल वॉल है वो किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज की बनी होती है, तो स्ट्रक्चर बनाने में हेल्प करते हैं, यानी सेल वॉल के कंपोनेंट है सेल्यूलोज। अब काइटिन है, काइटिन जो है वो आर्थ्रोपोड में स्केलेटन पाए जाते हैं, यानी एक्जो स्केलेटन होता है उनके, उनको बनाने में उनके बने होते हैं, काइटिन के बने होते हैं, तो काइटिन हो गया। अब काइटिन से और भी चीजें, जैसे सर्जिकल थ्रेड बनाई जाती है, तो सर्जिकल थ्रेड है काइटिन के बनाए जाते हैं, तो उनसे जब कोई ऑपरेशन वगैरह हुआ तो स्टिचिंग उससे की जाती है काइटिन से, तो वो क्या होते हैं, डिजोल्व हो जाते हैं। अब डिजोल्व हो जाएंगे तो उन्हें फिर ओपन कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो उसी में डिजोल्व हो जाएंगे स्किन के साथ, तो सर्जिकल थ्रेड बनाए जाते हैं। और भी जैसे जो है स्ट्रक्चर, जैसे फंजाई की सेल वॉल, तो काइटिन जो है और भी किसमें पाया जाता है, जैसे फंजाई है तो उनकी सेल वॉल बनाते हैं। रोल ऑफ मेटाबॉलिज्म, कुछ कार्बोहाइड्रेट ऐसे भी हैं जो हमें मेटाबॉलिज्म में हेल्प करते हैं, स्पेशल फंक्शंस भी हैं, जैसे
ग्लाइकोजन एज ए हार्मोन। तो ग्लाइकोजन जो है वो एज ए हार्मोन्स भी काम करता है। हिपेरिन है वो ब्लड जमने के समय जो है वो ब्लड क्लॉटिंग, यानी हिपेरिन जो है वो क्या करते हैं, ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं, ब्लड जमाने में हेल्प करते हैं। मेमेरी ग्लैंड से ग्लूकोज और ग्लैक्टोज का संश्लेषण होता है, यानी मेमेरी ग्लैंड में जो ग्लूकोज और ग्लैक्टोज जो बनता है तो वो क्या क्या है, ग्लूकोज और ग्लैक्टोज क्या है, ये मोनोसेक्राइड है। तो यानी मेमेरी ग्लैंड में भी ग्लूकोज और ग्लैक्टोज हेल्प कर रहा है। तो ये क्या स्पेशल फंक्शंस हैं इनके, कुछ जो ये कार्बोहाइड्रेट के थे। तो आपको कार्बोहाइड्रेट क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।